10 लाख रुपए में SUV लेनी है, कौन सी लेंगे? क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हैं और नहीं भी हैं। कैसे? गाड़ियां तो बहुत सारी है लेकिन वेरिएंट नहीं मिल पाते हैं। तो चलिए वेरिएंट वाइज आज आपको बताता हूं टॉप 9 गाड़ियां, 9 ऐसी गाड़ियां जो कि 10 लाख के बजट में आती है। साथ ही साथ स्टेप वाइज बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि टॉप 1 पे कौन सी है जो कि लेनी ही लेनी है, दो राय ही नहीं है, उससे अच्छी कोई गाड़ी ही नहीं है भाई 10 लाख के अंदर अगर SUV ही लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर बटन है भाई, फटाफट दबा दो। इतने सारे वीडियो है चैनल पर जो कि आपकी हेल्प जरूर करेंगे, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा देना, तो जैसे ही नया पोस्ट लेकर आऊंगा ना आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो भैया 10 लाख के बजट में जो पहली गाड़ी मैं आपको बता रहा हूँ वो है मारुति की तरफ से आने वाली S-Cross। देखो जिन लोगों को गाड़ी चलाने का शौक है उनके लिए गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन इसका सिर्फ सिग्मा वेरिएंट 10 लाख के बजट में आ सकता है। सिग्मा यानी कि बेसिक वेरिएंट, जिन लोगों को थोड़ा कार का नॉलेज, उनको पता है नेक्सा की तरफ से आने वाली ये गाड़ी है, मारुति की है, लेकिन ये थोड़े लग्जरी ब्रांड की तरफ थोड़ा सा फेस करता है। तो S-Cross आप ले सकते हो 10 लाख के बजट में। सिग्मा वेरिएंट कुछ भी फीचर्स नहीं मिलेंगे, मतलब नॉर्मल फीचर्स मिलेंगे, लेकिन गाड़ी का इंजन ठीक ठाक सा मिलेगा, वही इंजन मिलेगा जो टॉप एंड में मिलता है, और आपको जो है मतलब 103 BHP की पावर, 138 न्यूटन मीटर के लगभग का टॉर्क मिल जाएगा। गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा है, गाड़ी चलाने में मज़ा आती है, गाड़ी को आप मतलब ऑफ रोडिंग भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं, अच्छा खासा सा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। ये गाड़ी कॉम्पैक्ट SUV के नाम पर मतलब इतना ज़्यादा अपना एक हाइप नहीं बना पाई है, लेकिन जिन्होंने चलाई है उनको पता है गाड़ी काफ़ी मजबूत है और काफ़ी बढ़िया है। लेना है तो ये बात याद रखिए आफ्टर मार्केट काफ़ी सारा काम कराना होगा, काफ़ी पैसे खर्च करने होंगे, लगभग 1 से 1.5 लाख रुपये खर्च करेंगे, तो वही आपका बजट 12 लाख तक पहुँचेगा, जहाँ पर आपको दूसरी SUVs में फीचरफुल गाड़ी मिल जाएगी। दोस्तों अगली गाड़ी है ब्रेजा, ये भी मारुति की तरफ से आने वाली है। बहुत सारे लोगों को मारुति की गाड़ी के पत्रे के बारे में थोड़ी सी टेंशन होती, बोलते हैं सेफ नहीं है, तो बता दूं पहली बात 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। इंजन आपको जो मिलेगा 1.5 लीटर का, जिसके अंदर आपको 103 BHP की पावर, 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। गाड़ी चलाने में बहुत ज्यादा मजा है, सेफ्टी की बात तो मैंने आपको बता ही दी, गाड़ी चलाने में बहुत ज्यादा मजा है, इसके सस्पेंशन काफी ज्यादा स्मूथ है, ऑफ रोडिंग के लिए काफी अच्छी गाड़ी है, मतलब एकदम मतलब खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग नहीं करनी है, लेकिन फिर भी ऑफ रोडिंग कर सकते हो और थोड़े बहुत ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट मार सकते हो, गाड़ी का अच्छा खासा कंट्रोल है अपने आप के ऊपर, तो गाड़ी यहाँ पर मजबूत हो जाती है और अच्छी गाड़ी है, तो 10 लाख के बजट में आ सकती है। गाड़ी का स्ट्रक्चर बड़ा है तो वो समझकर आप ले सकते हो। XUV 300 ये महिंद्रा की तरफ से आती है। गाड़ी के अंदर आपको मतलब बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन जब 10 लाख पे आते हो तो आपको इसका बेसिक वेरिएंट W4 मिलता है, जो कि उतना ज़्यादा फीचरफुल है नहीं। इसके अंदर जो है आपको AC मिल जाता है, लेकिन साउंड सिस्टम वगैरह नहीं मिलेगा, ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो नहीं मिलेगा, मतलब गाड़ी सिर्फ और सिर्फ आपको जैसे पुरानी बोलेरो थी उस तरीके की आपको मिलेगी। लेकिन एक चीज़ है, इंटीरियर ठीक ही मिलेगा, इंटीरियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आफ्टर मार्केट काम कराने के बाद उसको आप टॉप एंड लग्जरी भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन वही एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। स्पेस वाइज गाड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी है, आप किसी भी SUV में बैठिए, किसी भी कॉम्पैक्ट SUV में बैठिए, उससे ज़्यादा स्पेस आपको XUV 300 में लगेगा। रियर सीट पर मतलब ऐसा फैल कर बैठ सकते हो, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, सामने आपको डैशबोर्ड अच्छा खासा मिलने वाला है, उतना मज़ेदार मुझे नहीं लगता, मतलब जितना हाईटेक आजकल की गाड़ियां हो गई है उस लिहाज से थोड़ी सी कमजोर मुझे नजर आती है। गाड़ी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, मेन चीज़ है कि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, 108 BHP की पावर देती है और गाड़ी उस हिसाब से चलती भी है और ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग है तो कुछ कहने की बात ही नहीं है, मतलब सेफ्टी सोचना ही नहीं है, और इंडिया की सेफेस्ट कार रही है, मतलब नेक्सॉन के रहने के बावजूद भी इंडिया की सेफेस्ट कार थी, क्योंकि 5 स्टार + 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग फॉर चिल्ड्रन थी, तो मतलब बहुत बहुत ज्यादा अच्छी गाड़ी है, बस बेसिक वेरिएंट है, इस वजह से मैंने इसको 6वें नंबर पर रखा है। अब जो कार्स आने वाली उनमें आपको फीचर्स भी मिलेंगे 10 लाख के बजट में, जैसे पहली गाड़ी है काइगर, 5वें नंबर पर रखी है मैंने। काइगर को 5वें नंबर पर रखने का पहला उद्देश्य है कि देखो ये दोनों गाड़ियों को ना, काइगर और मैग्नाइट को मैं मतलब SUV नहीं मानता हूँ। इंडिया में लोगों ने जो है पहली बात तो एक्सेप्ट कर लिया है कि 2-व्हील ड्राइव भी SUV हो सकती है, दूसरी बात कि बड़ा स्ट्रक्चर है तो SUV है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल होता है, जो कि मतलब उस लिहाज से बनाया जाता है। आप एंडेवर देखो, फॉर्च्यूनर देखो, जो किसी भी टेरेन पे चलने के लिए मतलब तैयार है, किसी भी जगह पे नाले में कुदा दो यार, आप किसी मतलब खड्डे में कुदा के निकाल लो गाड़ी को, निकल जाएगी, ये होती है SUVs। बोलेरो जैसी गाड़ी चाहिए, मतलब जो किसी भी टेरेन पे चल ले, खेत में चल ले, कहीं भी चल ले, कहीं से भी निकाल सकते हो, ट्रैक्टर नहीं मंगाना पड़ेगा उसको निकालने के लिए, किसी भी जगह से बना दी है। काइगर सिटी में चलने के लिए नाम है, SUV तो चला सकते हो। गाड़ियाँ अच्छी है, पावरफुल है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई इसका टॉर्क तो बहुत बढ़िया है, मतलब ऐसे नंबर्स में कम है, लेकिन वेट और ये कुछ भी बोलो, हल्की गाड़ी जो है ना कीचड़ से नहीं निकल पाएगी भाई, भारी गाड़ी निकल जाती है, क्योंकि उसके पास ताकत है अपने आप को खींचने का। इन गाड़ियों में ये थोड़ा सा मतलब मन नहीं मानता यार इनको SUV बोलने का, फिर भी। सो काइगर में आपको जो है दोस्तों
98 bhp की पावर मिल सकती है, अच्छा खासा इंजन मिल सकता है, गाड़ी हल्की है, स्पेस काफी ज्यादा है, दिखने में भाई ये ताबड़ तोड़े मतलब सबसे बहुत ही ज्यादा स्पोर्टी लुक लेकर के आती है। अगली गाड़ी आती है मैग्नाइट जो कि इसकी चचेरी बहन है। बात करें इसकी तो ये भी आपको जो है 10 लाख के बजट में कुछ फीचर्स दे जाएगी, जैसे कि ऑटो फोल्डिंग ORVM वाले फीचर आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिल जाएगा, CVT एक्चुअली है, आपको टाइगर के अंदर भी ऑटोमेटिक मिल जाती है, मैग्नाइट में भी CVT आपको मिल जाएगा। इसका जो वेरिएंट है XV एग्जीक्यूटिव एक्चुअली, उसमें आपको 98 bhp की पावर मिल जाएगी जो कि अच्छी खासी पावर है इस गाड़ी के हिसाब से। काफी अच्छा पावर वेट रेशियो इन्होंने मेंटेन किया है, तो गाड़ी की स्पीड अच्छी है, टॉर्क काफी अच्छा मिलेगा। गाड़ी को धकाने के लिए जितना जरूर उस हिसाब से बहुत अच्छा मिलेगा, आपको जो है गाड़ी में पंच महसूस होगा जब आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो तो वो स्पीड आपको मिलेगी। सेफ्टी की बात कर लेते हैं इसी बात पर, देखो बॉर्डर वगैरह ज्यादा है नहीं गाड़ी के अंदर, लेकिन अगर सेफ्टी की बात करो 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग आपको मैग्नाइट में मिल जाएगी जो कि एक बहुत अच्छी रेटिंग है। तीसरे नंबर पर आती है वेन्यू के आप बेसिक वेरिएंट ले सकते हो। यहाँ पर आप इस गाड़ी की जो सेफ्टी रेटिंग है 62% है, तो काइंड ऑफ 3 आप इसको गिन सकते हो। गाड़ी के अंदर आपको रियर कैमरा भी नहीं मिलेगा, बेसिक वेरिएंट मिल रहा है तो फीचर्स वगैरह कुछ भी ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं। 82 bhp का पावर मिलेगा और कीलेस एंट्री आपको मिल जाती है, बाकी सब कुछ बेसिक सा मिलने वाला है। सो वही अब हम उन गाड़ियों की तरफ अग्रसर हैं जो कि आपको एक्चुअली गाड़ी का बॉडी अच्छा देने वाली है, मतलब जिनको एक काइंड ऑफ कॉम्पैक्ट SUV आप कह सकते हो, मतलब एक्चुअली आप इनसे SUV वाले काम कर सकते हो। और साथ ही सिटी राइड के लिए भी काफी अच्छी है, दिखने में काफी अच्छी है, जो एक प्रीमियम और एकदम मतलब डिसेंट सा लुक आपको प्रोवाइड कर देती है। गाड़ी का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग लेकर के आती है। गाड़ी का इंजन परफॉर्मेंस बढ़िया 82 bhp की है, लेकिन टेरेंस में चलने के काबिल है किसी भी प्रकार के। किया सोनेट की अगर बात करें दोस्तों, तो 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ ये भी गाड़ी आती है, जिससे मैं भी काफी नाखुश हूँ और इसकी बिल्ड क्वालिटी से थोड़ा सा नाखुश होना भी चाहिए, क्योंकि हम जब खुद इतनी अच्छी गाड़ियां प्रोड्यूस कर सकते हैं तो हम बाकी कंपनीज को क्यों अलाउ करें कि भाई तुम हमारे यहाँ पर 3 स्टार रेटेड गाड़ी बेचो, हम तो टाटा महिंद्रा खरीदना चाहिए। लेकिन बहुत सारे काम जो टाटा महिंद्रा को करने बाकी है, जैसे टाटा में देखोगे फिट एंड फिनिश के इशू आते हैं, वैसा ही आपको सोनेट में नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक प्रीमियम लग्जरी लुक वाली गाड़ी मिल जाएगी इनसाइड से बाहर से, अंदर आकर के देखोगे तो सारी चीजें एकदम परफेक्टली फिट रहेगी। फीचर वाइज आपको काफी रिच गाड़ी मिलती है, लेकिन 10 लाख के अंदर नहीं मिल पाएगी, बेसिक वेरिएंट आप ले सकते हो। ऑटो एसी मिल जाता है, सोचिए क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा लेकिन ऑटो एसी मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे फीचर्स जो है आपको HTK प्लस में मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक वगैरह के लिए थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, आपको DCT का ऑप्शन भी वेन्यू में अवेलेबल होता है। खैर हम 10 लाख के अंदर की बात करें, मेरे हिसाब से सोनेट सेकंड नंबर पर रहने योग्य गाड़ी है, क्योंकि दिखने में और परफॉर्मेंस में काफी बढ़िया हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे पहले नंबर पर जो बची गाड़ी है वही आने वाली, तो ऑब्वियसली यार नेक्सॉन, क्योंकि 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग प्लस परफॉर्मेंस, 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन है उसके अंदर, जो कि आपको बहुत ज्यादा अच्छी पावर, बहुत ज्यादा अच्छा टॉर्क, और प्लस आपको बता देता हूं इन दसों की दसों गाड़ियों में कुछ एक ही गाड़ियां हैं जो कि ऑफ रोडिंग एक्चुअली कर सकती हैं, नेक्सॉन उनमें भी टॉप पर है। तो मैंने SUV, जैसा आप टाइटल में देख रहे हो ना कि 10 लाख के अंदर बेस्ट SUV, तो आप नेक्सॉन को कह सकते हो कि 10 लाख के अंदर की बेस्ट SUV गाड़ी है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब जो सोनेट के लवर हैं वो मुझसे नाखुश होंगे, जो वेन्यू के हैं या दूसरी गाड़ियों के, लेकिन आपको बता दूं जो कैपेबिलिटीज नेक्सॉन की हैं वो कोई और नहीं प्रदर्शित करता है भाई साहब। मतलब गाड़ी हवा में उड़ भी सकती है चारों पैर लेकर के, वैसे एक्चुअली नहीं उड़ सकती है, लेकिन ऐसे धक्के वक्के वैसे उछल के जाके तो भी उसको कुछ होने वाला नहीं है। सस्पेंशन काफी स्टिफ है, आपको लगेगा कि ब्रेजा के मुकाबले काफी स्टिफ है, मतलब वो एक रोड पे चलने में मजा देती है, यहाँ पर आपको धक 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 होता है, लेकिन यही चीजें जो है SUV गाड़ी को बनाती है। सिटी के अंदर अच्छी खासी राइडिंग है, ऑफ रोडिंग काफी अच्छी कर सकते हो, एवरेज काफी बढ़िया मिलता है, फीचर्स काफी अच्छे मिल जाते हैं। थोड़ा सा फिट एंड फिनिश पे काम टाटा को करना पड़ेगा, लेकिन आपको भरोसा अच्छा मिलता है। नेक्सॉन में कौन से वेरिएंट लेने हैं वो आप एक बार जान लीजिए। XM आपको मिल जाएगा, XMS मिल जाएगा, XMA मिल जाएगा। XMA ऑटोमेटिक हो जाएगा, XMA बीच का वेरिएंट है जो कि थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, इसमें थोड़े पैसे लगाओगे। XMS ने सनरूफ के साथ गाड़ी मिल जाएगी, ये सनरूफ होती है ना यहाँ पे, उसके साथ गाड़ी मिल जाएगी, और फीचर वाइज भी काफी बढ़िया सी गाड़ी है। गाड़ी लेनी है तो टाटा नेक्सॉन ले लो यार, 10 लाख के अंदर और कोई उपाय नहीं है। तो ये है दोस्तों सारी गाड़ियां। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगले वीडियो भी देखना, पूरा देखना, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।